शाहीन बाग मित्रों बटन दबाओ, तब इसने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। आज वो आग दिल्ली के कोने में लग गई है। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। आम आदमी पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए, अब उनका नाम होना चाहिए मुस्लिम लीग। केजरीवाल दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। दारू के दुकान बंद करके ऑनलाइन चला दिला, रिंकिया के पापा तू बोलिया भी सरबा दिला। हमारे प्रिय नेता हमारे सामने मंच पर आ गए, जोरदार जय घोष, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वैसे तो देश शमशान कब्रिस्तान जैसे चुनाव प्रचार यूपी में देख चुका है, लेकिन दिल्ली के चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के लिए यादगार चुनावों में गिना जाएगा। भड़काऊ नारों का आलम यह रहा कि पार्टी के स्टार प्रचारकों को चुनाव आयोग ने कैंपेन करने से रोक दिया था। अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे मुद्दे नहीं थे? यही तो आज के नतीजे उनके लिए मंथन का विषय है। ये कहना भी गलत होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास की बात नहीं दोहराई, बल्कि उन्होंने बात दोहराई और केजरीवाल सरकार पर केंद्र सरकार की अच्छी स्कीमों में रुकावट पैदा करने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की काट के लिए बार बार कहा कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम को लागू नहीं किया, लेकिन मोटे तौर पर छोटी छोटी सभाएं आयोजित करके प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर जैसे नेता शाहीन बाग, देशद्रोही, पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करते रहे, जिसने मोदी के उन भाषणों पर पानी फेरने का काम किया। फोकस इस पर भी रहा कि सभी देशवासियों को NRC और CAA जैसे कानूनों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 250 सांसदों को भी मैदान में उतार दिया था। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रात दिन प्रचार करते रहे, यहाँ तक कि सांसदों को रात में दिल्ली की झुग्गी झोपड़पट्टियों में रुकने को कहा गया। आपको याद है हरियाणा का विधानसभा चुनाव का वो नजारा, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने 370 और पुलवामा की बात करते हुए चुनाव को एक अलग दिशा में मोड़ने का काम किया था। मगर उस समय की नई पार्टी जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से भी ज्यादा प्रखर रूप से बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा उठाकर उस चुनाव को इस अलग दिशा में मोड़ने का काम किया, जिसका नतीजा ही था कि 75 पार की बात करने वाली भाजपा 40 पर ही अटक गई और इसी जजपा की बैसाखी बनकर वो दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुई। मगर जब से दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना रही है, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि अब राजनीति बदल चुकी है। अब लोग भी धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं, उन्हें भी पता चल चुका है कि सांप्रदायिक मामले और हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें वह पार्टी चाहिए जो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल की बात करते हों। शायद यही वो कारण है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को जनता ज्यादा पसंद कर रही है और इन नतीजों का भय भी कहीं न कहीं आज हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। हमेशा जातिगत राजनीति और देशभक्ति पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मजबूरन रोजगार, सड़क और अस्पताल की बात कर रही है। दुष्यंत को ही ले लीजिए, जो एक समय में आम आदमी पार्टी के साथ जींद उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में लड़ रहे थे और उस दौरान अरविंद केजरीवाल की दुष्यंत तारीफें करते नहीं चूकते थे, मगर जब से भाजपा की सहयोगी पार्टी के तौर पर उप मुख्यमंत्री वह बने हैं, उसके बाद उनके स्वर भी बदलते जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का मोदी के करीब आने का आलम ऐसा है कि दुष्यंत को केजरीवाल के विकास की बातें ही आज खोखली लगने लगी हैं। मगर ठीक दूसरी तरफ जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला बेरोजगारी,
अस्पताल और किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। उसे देखकर लगता है कि वो समझ चुके हैं कि आगे की राजनीति बदलने वाली है। अब स्कूल, सड़कें, अस्पताल और रोजगार पर ही वोट मिलेंगे, इसलिए वह केजरीवाल की तरह कॉपी कैट करते हुए चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्किल और शिक्षा को ग्रामीण स्तर पर ले जाकर विकसित करने की बात कर रहे हैं और हरियाणा से बेरोजगारी को दूर करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि दुष्यंत आगामी बदलती राजनीति के तहत बदल रहे हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के चुनाव के नतीजों से क्या सबक लेती है। क्या देशभक्ति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा लेकर वह रोटियां सेकने का काम करेगी या हरियाणा की जनता के लिए अहम मुद्दों पर आगे की राजनीति करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।